हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोशन सर स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, इस चैप्टर के बारे में कंप्लीट हम डिस्कस करने वाले हैं। ये इस वीडियो की पूरी मतलब फुल चैप्टर होने वाला है बच्चों। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं कि आखिर इस चैप्टर में है क्या 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 चीजों को हमें ध्यान से पढ़ना है। तो जैसे अगर बात की जाए बच्चों, पहले तो अगर बात की जाए इनके कुछ शब्दों को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अगर शब्दों की अगर बात की जाए तो पहले अगर बात कर लेते आखिर बच्चों जनसंख्या की मीनिंग क्या होती है। ज्यादातर बच्चों को जनसंख्या का मतलब ज्यादातर बच्चे किस हिसाब से लगाते हैं, जनसंख्या का लगाते हैं कि हाँ भाई जनसंख्या ज्यादा निवास जहां कर रही है। जनसंख्या का मतलब होता है किसी विशेष क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को हम क्या कहते हैं बच्चों, जनसंख्या कहते हैं। अब मैंने यहां आपको विशेष क्यों यूज किया है, क्योंकि क्या होता है बच्चों, ऐसा तो नहीं है कि कहीं भी जो लोग जाके रह लेंगे। क्या रेगिस्तान में जाके लोग रह लेंगे? क्या समुद्र पे जाके लोग रह लेंगे? नहीं ना, जनसंख्या तो वही रहेगी ना जहां जल हो, ठीक है ना, जलवायु उपयुक्त हो। तो इसलिए मैंने यहां विशेष शब्द यूज किया है। तो आप बताओगे बच्चों किसी विशेष क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। अब बात करते हैं वितरण। अब वितरण का मतलब क्या होता है, जनसंख्या तो जमीन पर ही रहेगी, धरातल पर ही रहेगी, यानी धरातल पर लोगों के, या धरातल आप कह सकते हो, या भूपृष्ठ पर लोगों के फैलाव को हम जनसंख्या वितरण कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व के बारे में कि भाई जनसंख्या घनत्व होती क्या है। तो बच्चों जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है, यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब प्रति इकाई क्यों मैंने यूज किया है बच्चों, यहां क्या है, यानी प्रति इकाई का मतलब एक किलोमीटर क्षेत्र में जितने भी लोग निवास करेंगे उसे हम जनसंख्या घनत्व कहेंगे। अब आता है भाई वृद्धि। भाई वृद्धि का मतलब क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या होता है बच्चों, दो समय अंतरालों के मध्य, भाई दो टाइम पीरियड ले लो, तो दो समय अंतरालों के मध्य जनसंख्या में जो भी परिवर्तन होगा उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाएगा, ठीक है। आइए इसके चैप्टर को और हम डीप समझते हैं। अब जैसे कि हमारा पहला टॉपिक है बच्चों जनसंख्या वितरण के बारे में, भाई जनसंख्या वितरण है किस प्रकार की, यानी विश्व में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार का है, विश्व में जनसंख्या का फैलाव किस प्रकार का है। तो देखो बच्चों, देखो पहले अगर बात की जाए जनसंख्या वितरण का, मैंने अभी आपको अर्थ बताया कि यानी लोगों के फैलाव को, क्या है बच्चों, पृथ्वी की सतह या धरातल पर लोगों के फैलाव को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या वितरण कहते हैं। अब विश्व में आप सभी को पता है कि जनसंख्या का वितरण विश्व में क्या है बच्चों, असमान है। असमान का कहने का मतलब क्या है, कहीं लोग ज्यादा निवास करते हैं तो कहीं लोग कम निवास करते हैं। तो विश्व में जनसंख्या का वितरण क्या है बच्चों, असमान है। यानी विश्व की अगर बात की जाए 90% जो जनसंख्या है या आबादी है बच्चों, वो क्या रहती है, लगभग 10% भूभाग पर निवास करती है। जैसे अगर मैंने ये अर्थ मान लिया तो भैया आधे इधर तो क्या समुद्र है, तो ये जो जमीन है आपको दिख रहा होगा ये धरातल हम कह लेते हैं, तो ये धरातल है। तो मैंने इसे बोला भाई ये अगर हमारे पूरे पृथ्वी की जो 90% जो जनसंख्या है वो क्या रहती है बच्चों, 10% भाग पर निवास करती है। कितने प्रतिशत भाग पर, 10% भाग पर क्या करती है बच्चों, निवास करती है। और दुनिया की जो 10 सबसे बड़े देश है ना बच्चों, जो दुनिया के 10 सबसे बड़े देश है, यहां दुनिया की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। 10 देशों में दुनिया की 60% जनसंख्या क्या करती है बच्चों, निवास करती है। इन 10 देशों में जो 6 देश कहां के हैं बच्चों, एशिया महाद्वीप के हैं। वो देश कौन से है बच्चों, एशिया महाद्वीप के हैं। जैसे आपका चीन हो गया, आपका पाकिस्तान हो गया, रूस हो गया, भारत हो गया। भारत तो सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे चीन है, ठीक है। तो ये एशिया के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विश्व में जनसंख्या के वितरण की विशेषता बताएं, तो आप बताइएगा बच्चों विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान है। विश्व की 90% जनसंख्या 10% भूभाग पर निवास करती है, जिनमें से
छह, और विश्व की जो 60% जनसंख्या है वो 10 देशों में निवास करती है, जिनमें से 6 देश एशिया महाद्वीप के हैं। उदाहरण के लिए चीन हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो ये सारे देश हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे है बच्चों, ये तो हमने बात करी कि भाई जनसंख्या वितरण के बारे में, अब बात करते हैं बच्चों जनसंख्या को प्रभावित क्या क्या चीजें करती हैं। जो जनसंख्या है वो किसी क्षेत्र में निवास करती है तो आखिर उसे प्रभावित क्या करती है, लोग किसी क्षेत्र में निवास क्यों करते हैं। तो बच्चों देखो, जनसंख्या को प्रभावित करने वाला पहला कारक जो आता है बच्चों, वो आता है भू आकृति में आपका उच्चावच। ठीक है बच्चों, पहला आता है कारण उच्चावच। अब उच्चावच का मतलब क्या है आपको पता है, पर्वतीय पठारी और ऊबड़ खाबड़ प्रदेशों में लोग क्या रहते हैं बच्चों, बहुत कम निवास करते हैं। आप खुद रहना चाहोगे पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में? नहीं। तो लोग क्या होते हैं, पर्वतीय पठारी या ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में निवास कम रहते हैं, जबकि क्या होते हैं जनसंख्या ज्यादातर क्या करती है बच्चों, मैदानी क्षेत्रों में निवास करने की ज्यादा प्राथमिकता देती है। जो मैदान वाले एरिया वहां जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। ठीक है बच्चों, क्योंकि इन क्षेत्रों में क्या होता है, उपजाऊ भूमि होती है। पहला क्या होता है बच्चों, उपजाऊ भूमि होती है। दूसरा क्या है, कृषि की जा सकती है यहाँ। ठीक है ना, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में भूमि ज्यादा उपजाऊ होती है और यहाँ कृषि की रेगला आसानी से किया जा सकता है ना, स्वच्छ जल भी मिल जाता है यहाँ। इसीलिए ज्यादातर जो जनसंख्या है वो मैदानी क्षेत्रों में रहने की ज्यादा प्राथमिकता देती है। आप एग्जांपल ले लो ना भारत का, उत्तर भारत में देखा होगा आपने ज्यादातर जनसंख्या निवास करती है, यूपी में लगभग 22 करोड़ जनसंख्या निवास करती है, बिहार देख लो जनसंख्या, मध्य प्रदेश हो गई, क्योंकि मैदानी क्षेत्र है तो यहाँ जनसंख्या रहने की ज्यादा प्राथमिकता देती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि उच्चावच किस प्रकार से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों जलवायु। हाँ भाई, जलवायु भी बहुत प्रभावित करती है, जलवायु भी किसी जनसंख्या को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि याद, आप याद रखिएगा ना, दाद देखो, अत्यधिक गर्म या अधिक ठंडे भागों में जनसंख्या क्या रहती है, कम निवास करने की प्राथमिकता देती है। ना ज्यादा ठंडे और ना ज्यादा गर्म, ना लोग ज्यादा ठंडे प्रदेशों में रहना चाहेंगे, ना ज्यादा लोग गर्म प्रदेशों में रहना चाहेंगे। ठीक है ना, लोग क्या होती है उन्हीं क्षेत्रों में जनसंख्या निवास करती है। ठीक है ना, जहां की जलवायु क्या होती है बच्चों, सम होती है, जहां ठंडी और गर्मी दोनों प्रकार की होती है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। और इसके साथ साथ जैसे मरुस्थल प्रदेश, पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, जनसंख्या कम निवास करती है। और जो मानसूनी प्रदेशों में जनसंख्या क्या होती है बच्चों, अधिक निवास करती है, जहां मानसूनी जलवायु हो। हमारे एशिया की, हमारे भारत की जलवायु क्या है बच्चों, मानसूनी जलवायु है, इसीलिए जनसंख्या ज्यादा निवास यहां करती है। ठीक है ना, तो जैसे उदाहरण के मैं आपको बताया एशिया महाद्वीप। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों मृदा, यानी जो सॉइल होती है, मृदा होती है, वो किस प्रकार से जनसंख्या को प्रभावित करती है, अट्रैक्ट किस प्रकार से करती है। तो होता क्या है बच्चों, जनसंख्या के वितरण पर मृदा की उर्वरता, उर्वरता का मतलब होता है उपजाऊपन, ठीक, की शक्ति का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ मिट्टी क्या करती है, वहां जहां जिन क्षेत्रों की उपजाऊ मिट्टी होगी वहां खाद्यान्न और अन्य फसलें अधिक उत्पन्न की जा सकती हैं। ठीक है ना, जिन क्षेत्रों में जो खाद्यान्न चीजें, यानी जो फसलें या कृषि आसानी से की जा सकती है, ठीक है ना, तो वहां कॉमन सी बात है, पैदावार तो ज्यादा बढ़ेगी ही और प्रति हेक्टेयर उपज क्या होगा बच्चों, अधिक होगा। इसलिए ज्यादातर जो लोग होते हैं ना वो नदियों के किनारे रहने की ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि नदियों के किनारे वाला भाग क्या होता है, जो नदियां जब आती हैं तो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लेकर आती है, तो नदी के आसपास का जो क्षेत्र होता है ना वो काफी ज्यादा उपजाऊ होता है, तो इसीलिए लोग उन क्षेत्रों में रहने की ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। अगर विश्व स्तर पर बोलूं तो जैसे आपका नील नदी हो गई, नील नदी के आसपास का जो क्षेत्र होता है वो काफी सघन वाला क्षेत्र होता है, काफी वहां ज्यादा लोग बसे होते हैं। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि मृदा भी क्या करती है बच्चों, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। ठीक है, जैसे अब आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं बच्चों कि आखिर जल की उपलब्धता किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो लोग उन क्षेत्रों में रहने की या बसने की ज्यादा प्राथमिकता देते हैं जहां जल क्या मिल जाए बच्चों, आसानी से उपलब्ध हो जाए। और इसके साथ साथ यही कारण है कि नदी घाटी क्या है, विश्व के सबसे
जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र होते हैं, ठीक है ना। यहाँ जनसंख्या सघन पाई जाती है, जहां जैसे नदी होगी, नदी के क्षेत्रों में क्या होता है, नदी वाले क्षेत्रों में ज्यादातर लोग रहने की प्राथमिकता देते हैं। तो ये तो आप कर लोगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है टॉपिक कि अब भाई देखो, हमने तो पढ़ा अभी भौतिक कारक, अब आर्थिक कारक किस तरीके से जनसंख्या को अट्रैक्ट करता है, जनसंख्या को प्रभावित करता है। हमने समझा कि हाँ भाई मृदा उपजाऊ होनी चाहिए, ठीक है ना, जल की उपलब्धता होनी चाहिए, जलवायु क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए, भू आकृति यानी मैदानी क्षेत्र होना चाहिए, इन क्षेत्रों में लोग ज्यादा निवास करते हैं। तो वो तो हो गया भौतिक कारक, अब बात करते हैं आखिर आर्थिक कारक क्या है, आखिर ये कैसे प्रभावित करता है किसी क्षेत्र की जनसंख्या को। तो होता क्या है, जैसे अगर बात की जाए, पहला आता है बच्चों परिवहन के साधन, यानी परिवहन के साधनों के विकास से लोग क्या होते हैं, दूर के क्षेत्रों से परिवहन के बेहतर साधनों से जुड़ जाते हैं। विश्व के सभी परिवहन साधनों से जुड़े क्षेत्र क्या है, सघन आबादी वाले। कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि जिन क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था ज्यादा अच्छी होती है, ज्यादा बेहतर होती है, उन क्षेत्रों में लोग रहने की ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। आप देख लो भारत में, दिल्ली देख लो, परिवहन ज्यादा साधन है, जनसंख्या ज्यादा है। मुंबई देख लो आप, है ना। तो परिवहन भी एक प्रकार से क्या करता है, जनसंख्या को प्रभावित करता है, जो एक आर्थिक कारक है। नेक्स्ट आता है बच्चों नगरीकरण। नगरीकरण भी क्या करता है, किसी क्षेत्र की जनसंख्या को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। कैसे, क्योंकि जैसे क्या होता है बच्चों, नगरीय औद्योगिक क्षेत्रों में क्या होता है, उद्योग, ठीक है, और नगरीय केंद्र वृद्धि हो जाती है, और एक उच्च जनसंख्या घनत्व क्या होती है, आकर्षित होती है। आप, हम या बहुत सारे लोग हैं नगरीय क्षेत्रों की ओर आकर्षित क्यों होते हैं, कॉमन सी बात है कि नगरीय क्षेत्रों में क्या होगा, रोजगार बेहतर होते हैं, रोजगार के साधन होते हैं, जीवन स्तर बेहतर होता है नगरीय और औद्योगिक केंद्रों में, ठीक है ना, आय के उच्च स्तर होते हैं। तो ये सभी चीजें क्या करती हैं बच्चों, जनसंख्या को प्रभावित करती हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए लोग ज्यादातर जो लोग होते हैं नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के समीप क्या करना चाहते हैं, रहने की ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, इन फैक्ट्रीज में ज्यादातर होता है। चलिए आगे बात करते हैं, एक आता है बच्चों खनिज। खनिज भी क्या करता है, खनिज निक्षेप भी क्या करता है, जनसंख्या को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। कैसे बच्चों, क्योंकि जिन क्षेत्रों में खनिज ज्यादा पाए जाते हैं, आर्थिक रूप से लोग क्या होते हैं, उस क्षेत्र की ओर ज्यादा क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। इन क्षेत्रों में ज्यादा खनिज पाया जाता है। आप झारखंड देख लो, झारखंड में मैग्नीज मिलता है और आपका कोयला भी मिलता है। पश्चिम बंगाल देख लो, पश्चिम बंगाल में रानीगंज है, ठीक है ना, तो वहां भी आपका खनिज ज्यादा पाया जाता है। तो लोग इन क्षेत्रों में भी रहने की ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि कॉमन सी बात है, यहाँ क्या होगा, रोजगार ज्यादा मिल जाता है, इसलिए लोग इन क्षेत्रों में क्या होते हैं बच्चों, आकर्षित होते हैं। अब बात करते हैं धार्मिक कारक। अब धार्मिक कारक भी क्या करता है बच्चों, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कैसे, बात करते हैं बच्चों, जैसे क्या होता है, धार्मिक कारणों से क्या होते हैं, लोग अपने देश छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ था, यहूदियों को यूरोप छोड़कर कहां, रेगिस्तान में एक नया देश इजराइल बसाना पड़ा था। आप सभी को पता है कि क्या हुआ था, कि मतलब धार्मिक कारणों से क्या होता है, लोगों को अपने देश छोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। और दूसरे विश्व युद्ध में पता है क्या हुआ था, दूसरे विश्व युद्ध में क्या हुआ था, जो यहूदी लोग थे, यहूदियों ने यूरोप भाग गए थे, यूरोप से चले गए थे, और उन्होंने एक रेगिस्तान में एक नया देश बनाया था जिसे कहते हैं इजराइल। और इसी प्रकार से दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेदभाव नीति के कारण क्या हुआ था, जनसंख्या का वितरण क्या है बच्चों, हुआ है। कहने का मतलब क्या, दक्षिणी अफ्रीका में भी रंग भेदभाव की नीति चली थी, इसके कारण भारी संख्या में लोग क्या हुआ थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हुए थे। तो जनसंख्या या धार्मिक कारक भी क्या करता है बच्चों, कहीं ना कहीं जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। ये उदाहरण है, मैंने आपको उदाहरण के साइड समझाया है, ठीक है। तो चले अब आगे बढ़ते हैं, आगे है बच्चों हमारा राजनीतिक कारक। अब राजनीतिक कारक किस तरीके से प्रभावित करता है, तो होता क्या है बच्चों, किसी देश में अगर गृह युद्ध, अशांति आदि के कारण भी क्या होता है, जनसंख्या वितरण पर प्रभाव पड़ता है। किसी क्षेत्र में क्या हो जाए बच्चों, गृह युद्ध हो जाए, अशांति हो जाए, है ना। अब आपको पढ़ा होगा अपने पॉलिटिकल में, 1971 में जब बांग्लादेश में युद्ध छिड़ा था, तो लगभग भारत में 80 लाख लोग आए थे भारत में, ठीक है। नेपाल से भी भारी संख्या में लोग क्या है, भारत आए हैं। तो हम इन उदाहरणों से समझ सकते हैं कि भाई अशांति युद्ध की स्थिति में जनसंख्या का वितरण प्रभाव करता है, ठीक है। उदाहरण के लिए क्या, जो है फारस की खाड़ी का क्या हुआ था बच्चों, युद्ध, श्रीलंका में जातीय संघर्ष के कारण भी भारी संख्या में लोग क्या आए थे,
मतलब स्थानांतरित हुए थे, ठीक है। और ये सभी कारण क्या कर सकते हैं हम, राजनीतिक जो कारण आता है इसके अंदर राजनीतिक कारणों में आता है कि ये जनसंख्या को किसी भी तरीके से प्रभावित करता है दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए। अब तो चलो ये तो, और इसके साथ साथ अब मैं एक चीज बता देता हूं बच्चों आपको, ठीक है। ये जो मैंने आपको टॉपिक समझाया है जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारण, ये बच्चों होता क्या है मैं आप लोगों को अभी भी बता रहा हूं। ये पेपर में आपका 110% आएगा, ये 100% ये आपका क्वेश्चन पेपर में आएगा, और ये आएगा तो 5 नंबर में ही आएगा। आप प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, ये हर पेपर में आपको मिलेगा भाई जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। या तो आपसे भौतिक पूछ लेगा, या आर्थिक पूछ लेगा, या राजनीतिक और धार्मिक पूछ लेगा, लेकिन पेपर में पूछेगा जरूर। और इस टर्म में भी जैसे फर्स्ट टर्म में पेपर में आने का 100% चांस है, ठीक है, इस प्रश्न का। तो इस प्रश्न को बच्चों बिल्कुल भी हल्के में ना ले, आपको जितना हो सके इसको एक बार पढ़ो दो बार पढ़ो, लेकिन ये पेपर में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। अब आता है जनसंख्या परिवर्तन के घटक, कि भाई जनसंख्या कैसे परिवर्तित हो सकती है, है ना। अब जनसंख्या बच्चों परिवर्तन के हमारे पास कितने घटक हैं, तो हमारे पास 3 घटक है, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, ठीक है ना। इन तीनों से ही तो जनसंख्या में परिवर्तन आएगा। अरे किसी क्षेत्र में जनसंख्या निवास कर रही है, वहां 10 लोग मर गए तो क्या जनसंख्या परिवर्तन होगा? हाँ तो जरूर होगा, ठीक है। 5 बच्चे पैदा हो गए तो जनसंख्या परिवर्तन होगा, हाँ होगा। 100 लोग उस स्थान से छोड़ के किसी दूसरे स्थान पर चले गए यानी प्रवास कर लिया तो भी जनसंख्या में परिवर्तन होगा। तो जनसंख्या परिवर्तन के बच्चों 3 घटक होते हैं, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। अब आइए कैसे होता है समझते हैं इन सब चीजों को। पहला बात करते हैं जन्म दर, जिसे हम अशोधित भी कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है जन्म दर का मतलब क्या होता है, यानी 1000 स्त्रियों द्वारा जीवित दिए गए बच्चों की संख्या को हम किसमें व्यक्त करते हैं बच्चों, जन्म दर में व्यक्त करते हैं। यानी 1000 स्त्रियां हैं और 1000 स्त्रियों ने अगर जीवित बच्चे जन्म दिए हैं, ठीक है, तो उसे हम जन्म दर कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? जन्म दर। अब आता है आखिर मृत्यु दर क्या होता है भाई, तो मृत्यु दर का मतलब क्या होता है बच्चों, यानी इसके अंदर क्या होता है, अब इसके अंदर क्या होता है बच्चों कि जैसे मृत्यु दर, मृत्यु भी जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती ही जन्म दर से नहीं होती अपितु घटती मृत्यु दर से भी होती है, या इसको साधारण शब्दों में आप ऐसे कह सकते हो 1000 पुरुषों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या को हम क्या कहते हैं बच्चों, मृत्यु दर कहते हैं। आप तो या तो डेफिनेशन ये भी कर सकते हो, या आप यही बोल सकते हो 1000 पुरुषों के पीछे या 1000 लोगों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या को हम क्या कहते हैं, अशोधित मृत्यु दर या मृत्यु दर कहते हैं। अब आता है बच्चों प्रवास किसे कहते हैं। अब प्रवास का मतलब क्या होता है कि जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। पहले प्रवास का मतलब क्या होता है, व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही क्या कहलाता है बच्चों, प्रवास कहलाता है। और प्रवास से क्या होता है, जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, 11th क्लास में नहीं पढ़ा होगा क्योंकि सिलेबस से काट दिया गया था, एक चैप्टर इतिहास का, समय की शुरुआत, ठीक है। और इसमें आपको बताया गया किस प्रकार से आधुनिक जो मानव है, इन सभी आधुनिक मानवों का जो उद्भव हुआ था, ठीक है, ये साउथ अफ्रीका से हुआ था। और साउथ अफ्रीका से ये सारे के सारे जो थे ना, कुछ अमेरिका चले गए, कुछ दक्षिण अमेरिका चले गए, कुछ एशिया आ गए, कुछ ऑस्ट्रेलिया चले गए। तो क्या जनसंख्या के आकार में परिवर्तन हुआ? तो हाँ भाई, बिल्कुल जरूर हुआ। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, यानी प्रवास से क्या होता है, जनसंख्या के आकार में परिवर्तन आता है। तो याद रखिएगा बच्चों, जनसंख्या परिवर्तन के घटक कितने होते, 3, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये 3 होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं आखिर प्रवास के कारण, आखिर जो लोग होते हैं किसी स्थान को छोड़कर क्यों जाते हैं, ठीक है, आखिर प्रवास के कारण होते क्या है। मैंने अभी आपको बता दिया प्रवास का मतलब क्या होता है, व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। अब प्रवास को प्रभावित करने वाले 2 कारक होते हैं, ठीक है बच्चों। इनमें से प्रवास को प्रभावित करने वाले कितने कारण होते हैं बच्चों, 2 कारक होते हैं, एक होता है अपकर्षक कारक और एक होता है प्रतिकर्षक कारक। ये 2 कारक होते हैं प्रवास के। जब कोई दोस्त, कोई जो लोग होते हैं किसी स्थान को अगर छोड़ते हैं तो आखिर छोड़ते क्यों हैं, और किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उस स्थान पर जाते क्यों हैं, आखिर ऐसी क्या चीजें वहां देखते हैं जो लोग दूसरे क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं, तो बात करते हैं।
पहला बात करते हैं बच्चों अपकर्षक। आप तो पहले याद रखना अपकर्षक, जहां शब्द देखो आपको यहां क्या बताना है, पॉजिटिव बातें बतानी है। ठीक है बच्चों, इसके अंदर हमें क्या करना है, पॉजिटिव बातें बतानी है, यानी बेहतर बातें बतानी है, इसमें नेगेटिव बातें बतानी है। देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। पहले देखो बच्चों, प्रवास के अपकर्षक कारक में क्या होता है, यानी जो लोग होते हैं किसी दूसरे स्थान पर क्यों जाते हैं, हो सकता है वहां क्यों जाते हैं बच्चों, काम के बेहतर अवसर होंगे, यानी जिन क्षेत्रों में काम के बेहतर अवसर होते हैं, ठीक है ना, उन क्षेत्रों में लोग ज्यादा रहने की प्राथमिकता देते हैं, या रहन सहन की अच्छी दशाएं होती है उन क्षेत्रों में लोग ज्यादा निवास करते हैं, शांति और सुरक्षा हो, अनुकूल क्या हो बच्चों, जलवायु हो, और जीवन और संपत्ति की सुरक्षा हो, अगर ये सारी चीजें किसी स्थान पर अवेलेबल होती हैं तो लोग उन क्षेत्रों में जाने की ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, जिसे हम अपकर्षक कारक कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको, यानी लोग दूसरे क्षेत्र में जाने की प्राथमिकता क्यों देते हैं, दूसरे क्षेत्र में क्यों जाते हैं, तो भी रहन सहन की अच्छी दशा होगी, काम के बेहतर अवसर होंगे, और शांति और सुरक्षा होगी, अनुकूल जलवायु होगी, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा होगी, इन सभी चीजों को देखते हुए लोग दूसरे स्थान पर जाते हैं। ये तो रहा चलो अपकर्षक। अब बात करते हैं प्रतिकर्षक, अर्थात किसी स्थान को लोग छोड़ते क्यों हैं। ठीक है, तो बच्चों जैसे रहन सहन की निम्न दशाएं, ठीक है, किसी क्षेत्र में क्या होती है, रहन सहन की निम्न दशाएं होती हैं, तो भी लोग क्या करते हैं, उस स्थान को छोड़ देते हैं। ठीक है ना, निम्न दशाएं। इसके साथ राजनीतिक परिस्थितियां जो अनुकूल नहीं होती हैं, प्रतिकूल होती हैं, जहां हमेशा राजनीतिक उपद्रव होता है, आपातकाल लगता रहता है, गृह युद्ध होने लग जाता है, तो इन सभी कारणों से लोग किसी स्थान को छोड़ देते हैं। ठीक है, प्रतिकूल जलवायु हो सकता है, लंबे समय तक ठंडी रही हो, लंबे समय तक गर्मी रही हो, इसीलिए उस स्थान को किसी लोग क्या होते हैं, छोड़ते हैं, या किसी क्षेत्र में कोई प्राकृतिक विपदा आ जाए, लगातार भूकंप आ रहा हो, बाढ़ आ रही हो, है ना, तो इन सभी कारणों से, इसके साथ साथ कोई महामारी, आर्थिक पिछड़ापन, इन सभी कारणों से लोग क्या करते हैं, किसी स्थान को छोड़ते हैं। तो ये किसी स्थान को छोड़ने के कारण है, और ये क्या है, किसी नए स्थान पर रहने के कारण है कि लोग किसी दूसरे स्थान पर निवास क्यों करते हैं। अब आगे बात करते हैं, ये तो रहे बच्चों जनसंख्या के अपकर्षक और प्रतिकर्षक। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं, यानी जब जनसंख्या बढ़ती है तो जनसंख्या बढ़ने के कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो होता क्या है एक्चुअली बच्चों, तो आप सभी को पता है जनसंख्या बढ़ेगी तो संसाधनों पर अत्यधिक भार बढ़ेगा, यानी संसाधनों की लगातार क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी, संसाधनों की तीव्र गति से कमी हो जाएगी, वजन बढ़ जाएगा, और जनसंख्या के भरण पोषण के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत सारी कठिनाइयां उत्पन्न हो जाएंगी, विकास की गति क्या हो जाएगी, रुक जाएगी किसी भी देश की। लगातार जनसंख्या बढ़ेगी तो रिसोर्सेज, जो संसाधन होते हैं, ज्यादा ज्यादा यूज होंगे। नॉर्मली एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, आपके घर में है 5 जने लोग हैं, तो 5 जनों का राशन होगा आराम से, मतलब 5 जनों का आपने लखा रखा होगा, 1 महीना आराम से चलेगा, लेकिन वहीं आप 5 जनों में 10 जने और आ गए, यानी 15 जने आ गए, तो 1 महीने का राशन कॉमन सी बात है, लगभग कितना चलेगा, 7.5 दिन चल जाएगा, 10 दिन 15 दिन चल जाएगा, इतना ही तो चलेगा ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, संसाधन लगातार कम हो रहे हैं, किस कारण से, जनसंख्या बढ़ने से। तो बच्चों देखो, किसी भी देश का विकास रुक जाएगा, भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, तीव्र गति से ह्रास होगा संसाधनों का, और संसाधनों पर भार बढ़ जाता है। तो ये होते हैं बच्चों जनसंख्या वृद्धि के परिणाम भी कह सकते हो, या प्रभाव भी कह सकते हो। जैसे अगर जनसंख्या, अब जैसे मतलब ये तो हमने समस्याएं बात करी है, परिणाम की बात करें तो क्या होगा, संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सकता, समाज में आधारभूत संरचनाओं स्वयं ही अस्थिर हो जाएंगी, मतलब जो बेसिक चीजें हैं, ठीक है, वो पूरी तरीके से रुक जाएंगी, ठीक है, और देश का भविष्य क्या आ जाएगा बच्चों, चिंता में आ जाएगा, लोग निराश होने लग जाएंगे, ठीक है, लोग निराशा में डूब जाएंगे अगर जनसंख्या बढ़ गई तो। यहां से थोड़ा सा एक टॉपिक समझाना चाहता हूं बच्चों जनसंख्या का, वैसे तो समझा देता हूं, यही एक टॉपिक है इसके अंदर, कि भारत विश्व में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां क्या है, यानी विश्व में जनसंख्या आरंभ से लेकर अब तक जनसंख्या किस प्रकार से बढ़ी है। तो हुआ क्या था बच्चों, अगर बात की जाए आरंभ में तो विश्व की जनसंख्या धीमी गति से बढ़ी थी, आरंभ में शुरुआत में विश्व की जनसंख्या धीमी गति से बढ़ी, लेकिन आने वाले कुछ वर्षों में विश्व की जनसंख्या आश्चर्यचकित ढंग से बढ़ी है। जैसे 8000 से लेकर 12000 साल पहले विश्व की जो जनसंख्या थी वो मात्र बच्चों 80 लाख थी, ठीक है, 80 लाख विश्व की जनसंख्या थी। फिर क्या हुआ बच्चों, जो ईसा की जो प्रथम शताब्दी में,
ईसा की प्रथम शताब्दी में विश्व की जनसंख्या लगभग 30 करोड़ हो गई, 30 करोड़ हो गई। फिर क्या हुआ बच्चों, 1750 यानी औद्योगिक क्रांति के दौर में, जब औद्योगिक क्रांति चल रही थी, तो 1750 में विश्व की जनसंख्या 55 करोड़ हो गई, विश्व की जनसंख्या 55 करोड़, ठीक है बच्चों। और अगर बात की जाए वर्तमान में, अगर बात की जाए तो वर्तमान में विश्व की जनसंख्या 7 से 8 अरब है, विश्व की जनसंख्या 7 से 8 यानी 700 से 800 करोड़ विश्व की जनसंख्या है। और याद रखिएगा इसके साथ साथ अगर बात की जाए, हर साल विश्व की जनसंख्या में 7 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं, 7 करोड़ जनसंख्या जुड़ जाती है हर साल, इतनी पॉपुलेशन हो जाती है विश्व की जनसंख्या में, 7 करोड़ लोग हर साल पैदा होते हैं, अब देख रहे हो। तो इस तरीके से ये जनसंख्या बढ़ती है, लगातार क्या होती है, बढ़ती है। तो ये बच्चों जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां हैं विश्व में, ठीक है। तो इस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है हमारी, अब लगा सकते हो 8000 से 12000 साल पहले विश्व की जनसंख्या 80 लाख थी, और वर्तमान में देखा जाए तो करीबन 700 से 800 करोड़ हो गई है, और हर साल विश्व की जनसंख्या 7 करोड़ जुड़ रही है हर साल। तो इस तरीके से जनसंख्या में लगातार क्या हो रहा है, वृद्धि होती जा रही है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, किसी देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने से वहां का आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी किसी देश की अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो उस देश की इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट करेगा ये चीजें। तो क्या हो जाएगा बच्चों, भोजन की समस्या हो जाएगी, ठीक है ना, यानी जनसंख्या वृद्धि होगी जिसके कारण क्या होता है, भोजन पदार्थ जो होते हैं, ठीक है ना, उनकी कमी हो जाएगी, आवास की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। भाई जनसंख्या बढ़ेगी तो रहेगी कहां जनसंख्या, आने वाले टाइम पे लोग जमीन के लिए लड़ेंगे, इतनी जनसंख्या हो जाएगी। तो बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या होता है, निवास स्थानों में कमी होती है, और लाखों लोग क्या होते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में निवास करने के लिए क्या हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, ठीक है, इंडिया में तो बहुत ज्यादा है। बात करते हैं बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या होते हैं, बेगारी जैसी समस्या बढ़ जाती है, बेगारी का मतलब काम आपसे करवा लेंगे पैसा देंगे नहीं, है ही नहीं भाई, तो बेगारी की गंभीर समस्या बढ़ जाती है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ क्या होता है, आर्थिक विकास कम होने लग जाता है, रोजगार के अवसर लगातार घट जाते हैं, जनसंख्या बढ़ेगी तो कहां रोजगार है, और बेरोजगारी की समस्या क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी, ज्यादातर जनसंख्या बढ़ेगी तो ये सारी चीजें दिक्कतें आएंगी, ठीक है। फिर जीवन स्तर क्या हो जाएगा बच्चों, निम्न हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय यानी जो लोगों की जो अर्निंग है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। जैसे एक डाटा दिया था विश्व बैंक ने, कि विश्व बैंक ने ये कहा था कि भैया एक व्यक्ति कम से कम इतना तो कमाए, इससे ज्यादा होनी चाहिए। इसने कहा कि अगर भाई $1 से भी अगर कोई व्यक्ति कम कमा रहा है तो वो व्यक्ति गरीब है, निर्धन है, और दुनिया, और हाँ वो व्यक्ति गरीब है और निर्धन है, और भारत, और आप सभी को पता है सबसे ज्यादा धीरे धीरे भारत में गरीबी बढ़ रही है, ठीक है। इसके साथ साथ हो क्या रहा है, ये तो समझ लिया, बेरोजगारी की समस्या बढ़ जाती है, निम्न जीवन स्तर हो जाता है, जनसंख्या की कृषि पर अत्यधिक दबाव बढ़ने लग जाता है, यानी बढ़ती जनसंख्या क्या होती है, खाद्यान्नों की आपूर्ति करने के लिए कृषि पर, मतलब जैसे अब क्या हो, जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन कृषि का विस्तार तो नहीं हो रहा है ना, तो धीरे धीरे क्या होता है, खाद्यान्न सामग्री की क्या होती है, कमी होने लग जाती है। और क्या होता है, बचत में कमी हो जाती है, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या होता है, कीमतें बढ़ जाती हैं, और बचत क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है, हर चीज की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये सारी समस्या आती है जनसंख्या बढ़ने से, और ये इफेक्ट करता है जनसंख्या बढ़ने से किसी देश की अर्थव्यवस्था पर। अब बात करते हैं हम जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा डीपली। अब जनांकीय संक्रमण सिद्धांत हमें क्या कहता है, तो भैया इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन भी समझ लेना है, या मतलब जनांकीय संक्रमण सिद्धांत हमें कहता है कि ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित, ग्रामीण, खेतीहर, अशिक्षित क्या करता है, उन्नति करके कहां चला जाता है, नगरीय बन जाता है, औद्योगिक बन जाता है, और साक्षर यानी पढ़ा लिखा बन जाता है। पहले हम लोग क्या थे, ग्रामीण थे, खेती करते थे और अशिक्षित थे, लेकिन वर्तमान में लगातार क्या, और लोग नगरीय हो रहे हैं, औद्योगिक हो रहे हैं, और लोग साक्षर हो रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, और पहले निम्न जन्म दर था और निम्न मृत्यु दर थी, लेकिन वर्तमान में अब पहले उच्च जन्म दर था, यहाँ गलत हो चुका है, यहाँ पहले क्या था, जन्म दर भी ज्यादा था और मृत्यु दर भी ज्यादा थी, लेकिन अब निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर हो चुकी है, ठीक है। इसे ही क्या कहते हैं बच्चों, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। दोबारा बता देता हूं, ग्रामीण, खेतीहर, अशिक्षित जब उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है, इसके साथ साथ
उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से परिवर्तित होके निम्न जन्म दर निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाता है, तो इसे जनानकीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो ये है बच्चों, यहां जो ये है बच्चों, यहां ये गलत हो चुका है, यहां आपको लिखना है उच्च जन्म दर और यहां आएगा उच्च मृत्यु दर से क्या होता है बच्चों, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की ओर बढ़ जाता है। तो ये हमें कहता है कौन, जनानकीय संक्रमण सिद्धांत। अब बच्चों इसकी तीन अवस्थाएं हैं, अब बात करते हैं इनकी अवस्थाओं की। बच्चों पहली अवस्था की अगर बात की जाए तो जनानकीय संक्रमण, आपने देखा होगा प्राचीन समय में क्या थे, पुराने समय में जन्म दर भी ज्यादा था और मृत्यु दर भी ज्यादा थी। अब आप सभी को पता है जन्म दर और मृत्यु दर दोनों समान रहेगी तो जनसंख्या क्या थी उस समय, स्थिर थी, जनसंख्या रुकी हुई थी। तो जन्म दर भी ज्यादा था, मृत्यु दर भी ज्यादा था, जिसके कारण जनसंख्या स्थिर थी और जनसंख्या वृद्धि धीमी गति से बढ़ रही थी। अधिकतम लोग क्या होते थे बच्चों, प्राथमिक क्रियाकलापों में लगे हुए थे। प्राथमिक क्रियाकलापों का मतलब क्या था, लोग पशुपालन करते थे, कृषि करते थे, है ना, तो ये सारे क्रियाकलाप किया करते थे। और यहाँ बड़े परिवारों को क्या समझा जाता था बच्चों, संपत्ति समझा, जितना ज्यादा परिवार होगा बड़ा उतनी बड़ी संपत्ति। तो बड़े परिवारों को पहले प्राचीन काल में क्या संपत्ति समझा जाता था और उनकी जीवन प्रत्याशा क्या होती थी, कम होती थी। तो ये था बच्चों पहली अवस्था, ठीक है, जनानकीय संक्रमण सिद्धांत की पहली अवस्था की विशेषता। अब बात करते हैं दूसरी अवस्था। तो बच्चों दूसरी अवस्था में क्या हुआ, इस अवस्था में आरंभ में तो उच्च जन्म दर था लेकिन तो समय के साथ क्या हुआ, यानी निम्न मृत्यु दर होने लग गया, मतलब उच्च जन्म दर था और मृत्यु दर कम थी। अब मृत्यु दर इस टाइम पे कम इसलिए थी बच्चों क्योंकि इस समय स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हो गया था, चिकित्सा सुविधाओं का विकास हो गया था, तो चिकित्सा सुविधाओं के विकास के कारण क्या हो गई थी, मौतों में कमी आ गई थी, मौतों में कमी, लेकिन जनसंख्या लगातार बढ़ती रही थी, ठीक है ना। अब जनसंख्या लगातार बढ़ती रही, इसी कारण क्या हुआ, यहां जनसंख्या उच्च रही, इस अवस्था में मृत्यु दर घट गई थी। मैंने रीजन आपको बता दिया क्यों घटी थी, पेपर में आता है कि दूसरी अवस्था में जनसंख्या घटने का मुख्य कारण क्या था, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार, ठीक है। और इसके साथ साथ जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर के कारण क्या हुआ बच्चों, जनसंख्या तेजी से बढ़ी और बाद में धीरे धीरे घटने लगी थी। तो हम तो इतना ही हमें बताना है इसके अंदर कि भैया उच्च जन्म दर था, निम्न मृत्यु दर था, ठीक है, इसके साथ साथ चिकित्सा सुविधाओं के विकास के कारण क्या होते, लगातार मौतों में क्या आ गई बच्चों, कमी आ गई थी दूसरी अवस्था में। अब बात करते हैं तीसरी अवस्था में ऐसा क्या हुआ। तो तीसरी अवस्था में क्या हुआ, इस अवस्था में बच्चों क्या था, जन्म दर और मृत्यु दर बहुत ही कम था, यानी जन्म दर भी कम था और मृत्यु दर भी कम था, या संतुलित कह सकते हो, जनसंख्या या तो स्थिर रही थी या बहुत क्या हो गई थी बच्चों, कम हो गई थी तीसरी अवस्था, ठीक है। और इस अवस्था में जनसंख्या शिक्षित हो गई थी, तकनीक का लोगों को क्या हो गया था बच्चों, ज्ञान हो गया था, इसके साथ साथ परिवार के आकार पर लोगों ने नियंत्रण करना शुरू कर लिया था, यानी लोगों में जागरूकता आ गई थी, लोग समझ चुके थे कि भाई जितना छोटा परिवार होगा उतना बेहतर परिवार होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जनानकीय संक्रमण सिद्धांत जो है, ये जो बात कहता है, मुझे ये लगता नहीं कि ये इफेक्टिव है। यानी अगर आपको लगता है वर्तमान में ऐसा कोई भी इफेक्ट दिख रहा है, एग्जाम्पल के तरीके आप समझाता हूं, आप देख सकते हो कि हुआ क्या था, यानी अगर देखा जाए 2011 में, 2011 में विश्व भारत की जो जनसंख्या थी वो 125 करोड़ थी, यानी 121 करोड़ थी। और 2000 अगर बात की जाए, हमारा 24 की अगर मान ली जाए, ठीक है, तो अभी वर्तमान में जनसंख्या लगभग 141 करोड़ हुई है। तो कहां जनसंख्या यहां निम्न हुई है, जनसंख्या तो लगातार बढ़ती जा रही है। और यह अनुमान लगाया गया था, देखो हमारे भारत में हुआ क्या, लोगों ने यह अनुमान लगाया था, विद्वानों ने यह अनुमान लगाया था भारत की जनसंख्या लगभग 2050 में 141 करोड़ होगी, 140 करोड़ आसपास, लेकिन हमारे भारतीय लोगों ने पहले ही, तो मतलब इस टाइप से जनसंख्या क्या हुई, लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये जनानकीय संक्रमण सिद्धांत मुझे ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से नहीं सत्य बोलता। चलो, तो ये था, इसके साथ साथ बच्चों ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, इसके साथ साथ ये तो पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक टॉपिक और है जिसे कहते हैं जनसंख्या वृद्धि के प्रकार, अगर बात की जाए, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे क्या है जनसंख्या वृद्धि, तो जनसंख्या वृद्धि तो मैंने आपको समझा दिया, तो जनसंख्या अगर बात की जाए,
तो बच्चों एक टॉपिक रह रहा है, इसमें से एक टॉपिक है जो मैंने अभी आपको नहीं कराया है, जनसंख्या वृद्धि के प्रकार। ठीक है, पहला तो हम समझ लेते हैं कि आखिर जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या होता है। तो मैंने अभी आपको समझाया कि दो समय अंतरालों के मध्य, मतलब दो टाइम पीरियड ले लो भाई, दो टाइम पीरियड हमने ले लिया, ठीक है, तो दो समय अंतरालों के मध्य यानी बीच में जनसंख्या में जो भी परिवर्तन आएगा उसे हम जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। अब 2011 से लेकर 2024 के बीच में ऐसा तो लोग हुआ नहीं होगा, मरे नहीं होंगे, लोगों ने जन्म भी लिया होगा, लोग मरे भी होंगे, तो इसे हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ये तो रहा जनसंख्या वृद्धि की डेफिनेशन। अब बच्चों होता है कि जनसंख्या वृद्धि के प्रकार भी होते हैं, ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि के चार प्रकार होते हैं बच्चों, देखा जाए चार प्रकार होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक, दूसरा होता है बच्चों वास्तविक, तीसरा होता है आपका धनात्मक, और चौथा होता है बच्चों ऋणात्मक। ये जनसंख्या वृद्धि के चार प्रकार होते हैं। अब प्राकृतिक वृद्धि दर का मतलब क्या है, यानी जन्म दर और मृत्यु दर। यहां क्या आएगा बच्चों, जन्म दर, अगर बात की जाए जन्म दर माइनस मृत्यु दर। राइटिंग थोड़ी खराब है लेकिन फिर भी आप मैनेज कर लेना, ठीक है थोड़ा सा। तो भाई जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर के कारण जनसंख्या में जो भी परिवर्तन आता है उसे जनसंख्या का प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। कॉमन सी बात है, जन्म लिया होगा तो मरेगा भी जरूर, कोई अमर तो पैदा हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर के कारण जनसंख्या में जो भी परिवर्तन आता है उसे जनसंख्या का प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। दूसरा आता है बच्चों वास्तविक वृद्धि दर। अब वास्तविक वृद्धि दर का मतलब क्या होता है, यानी इधर हम देखेंगे जन्म दर माइनस मृत्यु दर, ठीक है, इसके साथ साथ इधर हम प्लस लगा देंगे, और अप्रवास माइनस उत्प्रवास, ठीक है। तो देखो जन्म दर मृत्यु दर और अप्रवास और उत्प्रवास के अंतर के कारण जनसंख्या में जो भी परिवर्तन आता है उसे जनसंख्या का हम वास्तविक वृद्धि दर कहते हैं। अब भाई ये अप्रवास और उत्प्रवास होता क्या है, तो याद रखना बच्चों प्रवास की प्रक्रिया में हम जब किसी नए स्थान पर जाते हैं तो उसे हम अप्रवास कहते हैं। किसी नए स्थान पर जाना अप्रवास कहलाता है, और किसी स्थान को छोड़ना वो उत्प्रवास कहलाता है। तो बच्चों देखो जन्म दर मृत्यु दर अप्रवास उत्प्रवास के अंतर के कारण जनसंख्या में जो भी परिवर्तन आता है उसे जनसंख्या का वास्तविक वृद्धि दर कहते हैं। ये याद ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सूत्र है, ठीक है ना, ये सूत्र है, फॉर्मूला है इन दोनों का। अब आता है धनात्मक। तो धनात्मक में क्या होता है बच्चों, जब जन्म दर, यहां क्या है बच्चों धनात्मक क्या है, जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाए और अप्रवास उत्प्रवास से जब अधिक हो जाएगा तो उससे जनसंख्या में जो भी परिवर्तन आएगा उसे हम धनात्मक वृद्धि दर कहेंगे। यानी जन्म दर क्या हो जाए, मृत्यु दर से ज्यादा हो जाए, यानी जन्म ज्यादा हो और मृत्यु क्या हो बच्चों कम हो, और अप्रवास ज्यादा हो उत्प्रवास के कंपेरिजन में, लोग नए नए स्थान पर जाकर जो लोग बढ़ने की ज्यादा संभावना बढ़ जाती है ना, तो इसके अंतर है जनसंख्या में जो भी परिवर्तन आएगा उसे धनात्मक वृद्धि दर कहेंगे। ऋणात्मक में बच्चों क्या होता है, इसके ठीक अपोजिट होता है, जब मृत्यु दर जन्म दर से ज्यादा हो जाए, यानी मौतें ज्यादा हो रही है और जन्म कम हो रही है, और उत्प्रवास अप्रवास से ज्यादा हो जाए, तो इससे जनसंख्या में जो भी परिवर्तन आएगा उसे हम जनसंख्या का ऋणात्मक वृद्धि दर कहेंगे। तो बच्चों ये था ज्योग्राफी का, जो क्लास 12th का सेकंड चैप्टर का कंप्लीट वीडियो थी बच्चों। इसी टॉपिक से मैंने आपको जितने भी चीजें कराई हैं इसी से ही सारे सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो बच्चों अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस वीडियो से तो कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।